Yeah, hi Abhishek. How are you? I am fine. Happy. Happy? Okay, sir. आपको देख के बहुत कुछ हो रहा है सर. क्या कह रहे हो? कुछ हो रहा है? बात हो रही है तो सर थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही है. मुझे अच्छा लग रहा है अलग अलग लोगों से कनेक्ट करके, कभी महाराष्ट्र से, कभी गुजरात से, अब आपसे बात हो रही है, आप सूरत से. आप क्या करते हो वैसे? मैं स्टडी कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री है मेरा सब्जेक्ट, और नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो यूजीसी गाइडलाइन की नेट आती है ना एग्जाम, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ. बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर व्हाट इज ब्रेन फ्यूल? हम कैसे अपने माइंड को, माइंड के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें? यानी कि हम, मेरा ऐसा फंडा है कि माइंड के मसल्स डाइट से होते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज से होते हैं या फिर एक जगह से मन को टिकाने से माइंड स्ट्रॉन्ग होता है. आप जो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हो उसके अलग अलग स्टैंड पॉइंट हो सकते हैं. एक है जो हमारी फिजिकल ब्रेन है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे कुछ तरह के फूड्स हैं, कुछ तरह की चीजें हैं जो अगर आप खाते हो तो वो आपकी ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं. वो आप गूगल पे जाकर के स्टडी कर सकते हैं. कर सकता हूं. तो वो अपनी डाइट में आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं. तो वो जब आप चेंजेस करेंगे तो आपकी जो फिजिकल ब्रेन है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी. अब वो ब्रेन ज्यादा अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हो. अगर फिजिकली आपकी ब्रेन वीक हुई तो आपके थॉट में भी इतनी पावर नहीं होगी. जी. तो पहला स्टेप क्या है कि अपनी डाइट को ठीक करो, आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी को. और ब्रेन ऐसा नहीं है इन आइसोलेशन है, यानी ये नहीं है कि ब्रेन अलग है और बॉडी अलग है. ब्रेन तभी ठीक रह सकती है जब आपका पेट ठीक रहेगा. इनफैक्ट गट का, यानी कि आपके पेट का और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है. जी जी. आयुर्वेदा में यही खास बात है. आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर बीमारी का जो जड़ है वो पेट है, ना कि ब्रेन. क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो भी चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो भी केमिकल्स चाहिए सही से ऑपरेट करने के लिए, वो सब प्रोड्यूस कहां होते हैं? अल्टीमेटली हमारे गट में होते हैं, राइट? जी जी. हमारा स्टमक ही है ना जो फूड को एनर्जी, न्यूट्रिशन में, एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है. जी. ब्रेन ठीक काम करेगी. अगर पेट गड़बड़ है तो इसका मतलब ब्रेन में गड़बड़ है, क्योंकि ब्रेन की गड़बड़ को आप डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते. तो उसको कैसे ठीक करना है? अपनी डाइट के लेवल पे ठीक कर सकते हो. उसके अलावा नेचुरोपैथी इज अ वेरी गुड ऑप्शन. नेचुरोपैथी के इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको कुछ थेरेपीज देंगे, 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए. उसमें आप बेटर फील करने लग जाओगे. जी जी. तो नंबर वन वो है कि स्टमक की क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारी ब्रेन प्रॉपर काम करे. अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि हमारी थॉट की पावर कैसे स्ट्रांग हो. जी. हमारी जो थिंकिंग पावर है वो कैसे स्ट्रांग हो? तो वो स्ट्रांग होती है रेपिटेशन से. मतलब व्हाट यू वांट इज, जो मैं आपकी बात करने के तरीके से समझ पा रहा हूं, आप चाहते हो कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका माइंड या आपका थॉट इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर आपने सोच लिया मुझे करना है तो अब आपको किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़े. आसपास में जो भी कोई कुछ कह रहा है उससे आपको फर्क ना पड़े. राइट? फर्क ना पड़े. राइट. यही आप चाहते हैं, है ना? हाँ. तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसका जो तरीका है वो है रेपिटेशन. कि जिस भी तरह की बातों को आप अपने माइंड में रिपीट करते चले जाओगे वो पक्की होती चली जाएगी. इसीलिए इंडिया में एक कहावत है जो आपके भी घर में चलती होगी, जो बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो. सुनी होगी आपने, है ना? जी जी. कि मुंह से उल्टी सीधी बातें मत निकालो. जी. क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं जो बात मैं आपको कह रहा हूं. क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा बोलोगे, चाहे अपने मुंह से बोलोगे, चाहे अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलोगे, तो धीरे धीरे वो पक्का होता चला जाएगा. एक आध बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक आध बार आप कुछ भी उल्टा बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक आध बार कुछ भी अच्छा बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि अगर एक दो बार बोलने से हो जाता तब तो आप सीधा ये बोलो ना कि भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा. जरूरत ही क्या है पढ़ने की, कोई एंट्रेंस की तैयारी करने की, कुछ भी करने की. सीधा बोल दो एक दो बार, सच हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. बट अगर इसी बात को आप बार 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 बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस चेंज होने लग जाएंगे. धीरे धीरे आपका ये जो थॉट है ये पक्का होता चला जाएगा. जी. और आप उस डायरेक्शन में भागने लग जाओगे. अब आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आपने, आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे. जी. आप समझ गए. तो अब इसको पक्का कैसे करते हैं? रेपिटेशन से. तो जो भी आप चाहते हो, आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को देखते हो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद,
उसको आप रिपीट कर सकते हो अपने माइंड के अंदर जी। तो अब वो धीरे धीरे चीज पक्की होती चली जाएगी। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है जो लोग गलती कर जाते हैं, वो है कि आपको जो भी आप चाहते हो उसके आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि जो होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। ये नहीं बैठ करके इमेजिन करना है कि मेरा ये एंट्रेंस है वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये आप इमेजिन करते गए करते गए करते गए करते गए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1% नहीं हुआ आपका तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे, राइट जी, टूट जाए। तो अब अगर सोचना है तो क्या सोचना है, बैठ करके अपने किस थॉट को पक्का करना है कि मेरी तैयारी पूरी है, अब होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अपने आप को क्या बोलना है बार बार कि मेरी तैयारी कमाल की चल रही है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, इसको तैयारी को करने के लिए जितनी भी बुक्स पढ़नी चाहिए वो सब मैंने पढ़ ली है, जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है वो सब मैंने कर लिया है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है, अब होना ना होना वो तेरे हाथ में है। अब वो तेरे हाथ में कौन, वो भगवान हो सकता है, भगवान कोई भी जिसको भी आप मानते हैं, राइट, वो तेरे हाथ में है। तो अब क्या होगा, 1% आपका नहीं भी हुआ तो आप टूटोगे नहीं, क्योंकि आपको क्या हुआ, आपको अपने माइंड को फोकस करना आ गया कि किस तरीके से माइंड को फोकस किया जाता है, काम पे, जो भगवद गीता में भी कहा गया है कि भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो इसी एंगल से कहा गया है। उसका मतलब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं, उसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि आप बस हार्डवर्क करते चले जाओ। कर्म का मतलब लोग क्या समझते हैं, वर्क। वर्क का मतलब क्या समझते हैं, सिर्फ वर्क, मतलब वो जो हम काम कर रहे हैं अपने हाथ पैरों से। कर्म बेसिकली जो है वो थॉट के लेवल पे करने की बात करी जा रही है, कर्म पहले अंदर होता है बाद में बाहर होता है। तो अंदर जो आप कर्म कर रहे हो वो सही करो जी, उस पे फोकस करो, तो धीरे धीरे जो फल है वो तो आना ही आना है।